दोस्तों अगर आपको 100 मीटर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमें पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। हमें उसके लिए तीन चीजें चाहिए, एक है स्पीड, दूसरा है पावर और तीसरा है टेक्निक। और हमें ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है हमें। और एक बात ध्यान में रखना, हमें दोस्तों पावर बढ़ाने, हमें लेग, हमारे अपर बॉडी, लोअर बॉडी, हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हम ज्यादा से ज्यादा पावर बढ़ाएंगे उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना है। और जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और तभी आपका 100 मीटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चाहे आपका 12 सेकंड हो, 13 सेकंड हो, 14 सेकंड हो या 15 सेकंड हो, आप आसन तरीके से दोस्तों ये और उसको कैसे करना है और कौन से एक्सरसाइज करना है जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा और पावर बढ़ेगा उसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, हमें कौन से एक्सरसाइज करने हैं और अच्छे से आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको एक्सरसाइज कैसे करने हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करने हैं, किस एक्सरसाइज की आपका कैसे इम्प्रूव होगी। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम हॉप लगाएंगे, हमें सिंगल लेग हॉप लगानी है, वो भी शॉर्ट। हमें आपको दोस्तों हॉप लगाते वक्त आपको नेक को थोड़ा ऊपर उठाना है और इस तरह से आपको एक पैर पर आपको हॉप लगानी है। ऐसे आपको दोनों लेग पर करना है और अच्छे से करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज से आपकी लेग में पावर बढ़ेगी और आप आसन तरीके से स्टार्ट भी अच्छा ले सकते हो। और इस एक्सरसाइज को आपको 20 मीटर में करना है और 10 मीटर इजी स्टार्ट लगानी है और हर एक एक्सरसाइज के आप 2 या 3 सेट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फुल हॉप लगाएंगे। हमें दोस्तों नी को ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है इस तरह से। दोस्तों आप अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करते रहना, आपको आ जाएगा। ऐसे आपको दोनों पैर पर करना है और इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो दोस्तों आपका 100% आसान तरीके से जल्दी इम्प्रूव होगा, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा आएगा। इसकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है दोस्तों इस एक्सरसाइज को आपको करना ही चाहिए। इस एक्सरसाइज को आपका बहुत स्पीड बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बी स्किप करेंगे। हमें लेग को दोस्तों अल्टरनेट करना है, हमें अल्टरनेट करके आगे की तरफ इस तरह से आपको फेंकना है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज को आपको 100% दोस्तों आपको करना ही करना है, तभी आपका इम्प्रूव होगा। हाई नी करते वक्त हमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और हमें आपको नेक को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है इस तरह से। और इस तरह से अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे तो दोस्तों देखना आपका 100 मीटर आप कैसे निकालते हो। बैकनी करते वक्त हम दोस्तों इसे बटकी भी कहते हैं। हमें हमारे जो फुट है उसको पीछे तरफ सीट को टच करना है। हमें घुटने के आगे की तरफ दोस्तों पैर को लेना नहीं है, हमें पीछे तरफ पैर को उठाना है। एंकल बोन्स करते वक्त हमें दोनों पैरों को जमीन पर रखने के बाद आगे की तरफ बॉडी को जल्दी जल्दी पुश करना है। जितना जल्दी हो सके उतना दोस्तों आपको बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आपको दोस्तों 100 मीटर में स्टार्ट अच्छा लेना है तो आपको इस एक्सरसाइज को करना ही करना है। इसको हम लंजेस बोलते हैं। हमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपको नी को ऊपर की तरफ उठाना, आगे तरफ डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नी और टो है वो एक समान में रहना चाहिए और इससे आपकी लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी आपका परफॉर्मेंस आएगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। हॉबिंग करते वक्त हमें दोस्तों इस तरह से दोनों पैर को ज़मीन पर रखना है और एक पैर का जो नी है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। आप अच्छे से देखना दोस्तों, आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना। हमें लंबे लंबे स्टेप लगाने हैं। हमें दोस्तों स्टेप लगाते वक्त आपका जो नी है उसको ऊपर उठाना है, आगे की तरफ स्टेप लगानी है और आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको 100% जल्दी से जल्दी आ जाएगा और आपको करना ही करना है और तभी आपका टाइमिंग टूटेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज में हम ब्रॉड जंप करेंगे और इस एक्सरसाइज को दोस्तों आपको अच्छे से करना है। हमें दोनों हाथों को जर्क लेना है और आपको दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठा के ऐसे बॉडी को होल्ड रखना है। और इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका दोस्तों स्पीड बढ़ेगा, आपकी लेग में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी और तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और आप स्टार्ट से लेकर फिनिश तक आप आसान तरीके से 100 मीटर अच्छे से लगा सकते हो और आप